Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। आप में से कितने लोगों को कपिल शर्मा की कॉमेडी पसंद है? यकीनन आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि मुझे पसंद है। वैसे अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब भला क्यों पूछ रही हूँ, तो आपको बता दूं कि इसके पीछे भी रीजन है कपिल शर्मा की कॉमेडी। वो कैसे, तो सस्पेंस खत्म करते हुए बता ही देती हूँ कि कपिल बहुत जल्द अपनी कॉमेडी का तड़का लगाने के लिए आ रहे हैं, वो भी एक धमाकेदार फिल्म के साथ जिसकी शूटिंग भी कपिल ने शुरू कर दी है। अब ये सब सुनकर तो कपिल के फैंस एक्साइटेड जरूर हो गए होंगे। तो चलिए आपको डिटेल में बताते हैं इस फिल्म के बारे में। कहाँ, इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। दरअसल कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की अपकमिंग फिल्म में आपको खाने के साथ साथ कपिल की मजेदार कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलेगा। खबर है कि कपिल इस फिल्म में ऐसे रोल में नजर आने वाले हैं जिसमें वो पहली बार अपने फैंस को एंटरटेन करेंगे। इस फिल्म में कपिल एक फूड डिलीवरी बॉय के अंदाज में आपको नजर आएंगे। इसके बारे में फरवरी में ही कपिल और एक्ट्रेस और डायरेक्टर नंदिता दास ने एक पोस्ट के जरिए फैंस को जानकारी दी थी और बताया था कि वो जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू करने वाले हैं। अब कपिल एक बार फिर एक्ट्रेस सयानी गुप्ता और नंदिता दास के साथ नजर आए हैं, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर भी की हैं। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि ओडिशा में कपिल शर्मा ने अपनी फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। वो ओडिशा में है जहां कपिल की फिल्म के कास्ट एंड क्रू मौजूद है। कपिल ने इंस्टाग्राम पर जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें वो नंदिता दास और सयानी गुप्ता के साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, शानदार लोगों के साथ शानदार शाम। बता दें कि किस किस को प्यार करूं और फिरंगी के बाद वो अब इस फिल्म में नजर आएंगे। हालांकि इस फिल्म का नाम क्या होने वाला है इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन कपिल के पिछले पोस्ट को देखकर लगता है कि फिल्म का नाम योर ऑर्डर इज प्लेस्ड होने वाला है। कपिल शर्मा की इस फिल्म को अप्लॉज एंटरटेनमेंट और नंदिता दास इनिशिएटिव मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। बता दें कि फिल्म में कपिल शर्मा के ऑपोजिट एक्ट्रेस शहाना गोस्वामी उनकी पत्नी के रोल में नजर आएंगी। जब कपिल ने अपनी इस फिल्म को लेकर इन्फॉर्मेशन शेयर की थी तो उन्होंने एक पोस्ट करते हुए लिखा था, मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ, इसलिए नहीं कि मैं एक फिल्म कर रहा हूँ बल्कि इसीलिए कि मैं नंदिता दास की फिल्म कर रहा हूँ। उन्हें मैंने एक्टर और डायरेक्टर दोनों के रूप में देखा है। उनके पास चीजों को देखने का एक बहुत ही अलग और गहरा नजरिया है। उनका काम मेरे काम से बहुत अलग है और मुझे खुशी है कि दर्शकों को मेरी एक नई साइड देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि कपिल शर्मा ने अब्बास मस्तान की फिल्म किस किस को प्यार करूं से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद वो साल 2017 में फिल्म फिरंगी में नजर आए थे, तो वहीं हाल ही में वो OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी नजर आए थे। बात करें उनकी इस अपकमिंग फिल्म की तो कपिल शर्मा और नंदिता दास की ये जुगलबंदी वाकई देखने वाली होगी, क्योंकि दोनों ही सिनेमा की अलग अलग स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। जहां कपिल की ऑन स्क्रीन इमेज एक कॉमेडियन की है तो वहीं नंदिता दास सीरियस मुद्दों पर काम करने के लिए जानी जाती है। बतौर डायरेक्टर नंदिता की डेब्यू फिल्म मंटो है। 2018 में आई उनकी फिल्म मंटो सआदत हसन मंटो की बायोपिक थी। अब देखना होगा कि कपिल की इस आने वाली फिल्म के लिए उनके चाहने वालों को कितना इंतजार करना होगा। वैसे आप लोग कपिल शर्मा की इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।